अभी हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अपना नहीं अंकल जी का वैक्सीनेशन करवाना। भाई आज तो बहुत तगड़ा भीड़ है, देख सकते हैं। अभी हम आपको हाल दिखाते हैं अस्पताल के पीछे का। ये इस तरह से यहाँ लग रहा है। अगर इसको हम रिसाइकलिंग करें तो क्या ये यूज हो सकता है? देखिए यहाँ इतने बर्बाद हो रहे हैं, हो सकता है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। One hour later. कैसे हो बेटा? बढ़िया, ओके, एंजॉय। सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड, दोपहर के बज गए हैं दो और अभी बंदा नहा धो के रेडी हो गया है और अभी फिलहाल जाना है मम्मी को मासी के घर छोड़ना है, वहाँ कुछ मैरिज फंक्शन है। आई नो कोविड है बट ऑल प्रिकॉशंस को फॉलो सब लोग कर रहे हैं और आप लोग भी करिए और जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगवा लीजिए। One hour later. तो शाम हो गए हैं और यहाँ अपने आलू की चिप्स और ये ब्लैक टी और यहाँ अपना ब्रेकफास्ट हो रहा है। साथ ही साथ इनका ध्यान इस पे है ना कि मेरे पे है और इस चाय पे है। तो आपको नागिन डांस दिखा रहे बेटा, नागिन डांस देखने अच्छा लग रहा है। सच बताऊं बहुत दिन के बाद आज सिटी में आके ना सच में दिल ऐसा कर रहा है कि अरे यार काश दुनिया ऐसी चलती रहे। सड़क पे गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, इतना अच्छा लग रहा है, वाकई सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली किसी इम्पोर्टेंट वर्क के कारण आज मुझे गोरखपुर आना पड़ा और मैं भगवान का भी शुक्रगुजार करता हूँ, भगवान ऐसी जिंदगी सबको दे ताकि वो कहीं ना कहीं घूम सके। मन में अजीब सा हो गया है, एक्चुअली बारिश बहुत तेज हो रही है तो रूफ पे जो पानी की बूंदे हो ना टप टप की आवाज आ रही है, तो थोड़ा सा सह लेना ठीक है। और बात मैं कर रहा था कि फ्रीडम की, फ्रीडम एक ऐसी चीज है ना कि अगर आप एक बार चख लेते हो ना तो आदमी हमेशा सोचता है कि बस काश ऐसी फ्रीडम मिलती रहे और लाइफ फिर से वही शुरू हो जाए। और मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे देश से नहीं पूरे विश्व से जितनी भी बीमारियाँ हैं जो इंसान को कैद करके रखी हुई हैं प्लीज़ वह ख़त्म हो। साइक्लोन के कारण पूरा बारिश, दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और मौसम इस सुबह के 9 बजे का है, इतना शानदार है। अभी बादल नहीं है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और नीचे पानी, बीच में इंसान, वाह वाह क्या जोक मारा मैंने। आप देख रहे हैं लाइन नहीं लग रहा है, ओपिनियन आपकी बताइए। अरे यार इसे कटवाना है यार, हमको स्पाइडर में क्या कटवाना है भाई, कटवाना क्या बताओ। 2000 years later. एक बात मेरे को नहीं समझ में आ रही है, इतने प्रोटेक्शन के बावजूद भी, एक जाली दो जाली तीन जाली लगने के बावजूद भी मच्छर मक्खी बताने कैसे आ गए। मुझे लगता है सुबह के टाइम में दरवाजा इतनी तेज हवा लगती है कि खुल जाता है, उसी से मच्छर आ जाते हैं, तो उसकी कुछ जुगाड़ करते हैं, तो रात भर सोने नहीं देंगे। ऐसा मैं सोच रहा था कि मेरे पास फास्ट कार्ड है बट फास्ट कार्ड खत्म हो गई है और बहुत सर्च ऑपरेशन चलाने के बावजूद इतना बड़ा मोर्टिन मिला है, इसको जलाते हैं देखते हैं मच्छर भागता है कि नहीं। A few inches later. तो अपना ये जल चुका है। देख लो इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती ही रहती है, अब तक मच्छर मक्खी की प्रॉब्लम थी, फर्स्ट कार्ड खत्म हो गया उसकी प्रॉब्लम थी, मोर्टिन नहीं मिला था उसकी प्रॉब्लम थी, अब मिल गया अब जल गया इसकी प्रॉब्लम खत्म, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी जो स्टैंड आती है वो कहाँ खोजें। तो इंजीनियर लौंडा यार दिमाग लगाएगा, टेंशन ना लो, कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं, 2 मिनट रुको फिर सोच साझ के बताते हैं। फिलहाल मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मेरे पास टेस्टर है और यहाँ जो होल है ना इस होल में इसको हम एडजस्ट करते हैं, तो फिलहाल कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया है।
अब इसको लगाया कैसे, वो भी दिमाग है, बस देखते जाओ रवि प्रताप सिंह को, फॉलो करते जाओ और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करते जाओ। फिलहाल ये अपना स्टैंड है, इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ और इसको ढीला करके ऐसे कर देंगे। कौन कहता है यार मच्छर स्टैंड नहीं था, देखो एक स्टैंड से हम वीडियो भी शूट कर सकते हैं, मच्छर और मक्खी की प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। एक मच्छर यहाँ है, एक मक्खी यहाँ है और दो तीन उस खिड़की पे हैं और फिलहाल वहां है, और ये अपना यहाँ गन, अपनी गन लगी हुई है। एक यहाँ है और एक यहाँ है, रुक जाओ बेटा अभी तुमको हम बताते हैं। ये देख रहा यहाँ से जो धुआं निकल रहा है, अरे यार गायब, यहाँ 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 आ गए, कोई बात नहीं।